समाधान देखते हैं तो टुकड़ों में नहीं सोचना चाहिए। तकलीफें आएगी, एक साथ वाहवाही के लिए हाथ लगा करके छोड़ देना ये तरीका देश को सपनों को साकार करने के लिए काम नहीं आएगा। हमने समस्याओं को जड़ों से मिटाने की कोशिश करनी होगी। आपने देखा होगा हमारी मुस्लिम बेटियां, हमारी बहनें, उनके सर पर तीन तलाक की तलवार लटकती थी, वो डरी हुई जिंदगी जीती थी। तीन तलाक की शिकार शायद न हुई हो, लेकिन कभी भी तीन तलाक की शिकार हो सकती हैं, ये भय उसको जीने नहीं देता था, उसको मजबूर कर देता था। दुनिया के कई देश, इस्लामिक देश, उन्होंने भी इस कुप्रथा को हमसे बहुत पहले खत्म कर दिया, लेकिन किसी न किसी कारण से हमारी मुस्लिम माताओं बहनों को हक देने में हम हिचकिचाते थे। अगर इस देश में हम सती प्रथा को खत्म कर सकते हैं, हम भ्रूण हत्या को खत्म करने के कानून बना सकते हैं, अगर हम बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, हम दहेज में लेन देन की प्रथा के खिलाफ कठोर कदम उठा सकते हैं, तो क्यों ना हम तीन तलाक के खिलाफ भी आवाज उठाएं। और इसलिए भारत के लोकतंत्र के स्पिरिट को पकड़ते हुए, भारत के संविधान की भावना को, बाबा साहब आंबेडकर की भावना को आदर करते हुए, हमारी मुस्लिम बहनों को भी समान अधिकार मिले, उनके अंदर भी एक नया विश्वास पैदा हो, भारत की विकास यात्रा में वो भी सक्रिय भागीदार बने, इसलिए हमने इस महत्वपूर्ण निर्णय को किया। ये निर्णय राजनीति के तराजू से तोलने के निर्णय नहीं होते हैं, सदियों तक माताओं बहनों के जीवन की रक्षा की गारंटी देते हैं। उसी प्रकार से मैं एक दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं। अनुच्छेद 370 35A आर्टिकल 370 और 35A क्या कारण था? इस सरकार की पहचान है हम समस्याओं के टालते भी नहीं हैं, हम समस्याओं को टालते भी नहीं हैं और न ही हम समस्याओं को पालते हैं। अब समस्याओं को टालने का भी वक्त नहीं है, अब समस्याओं को पालने का भी वक्त नहीं है। जो काम पिछले 70 साल में नहीं हुआ, नई सरकार बनने के बाद 70 दिन के भीतर भीतर आर्टिकल 370 और 35A को हटाने का काम भारत की दोनों सदनों ने, राज्यसभा और लोकसभा ने, दो तिहाई बहुमत से पारित कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि हर किसी के दिल में ये बात पड़ी थी, लेकिन प्रारंभ कौन करे, आगे कौन आए, शायद उसी का इंतजार था। और देशवासियों ने मुझे ये काम दिया और मैं आपने जो काम दिया है उसी को करने के लिए आया। मेरा अपना कुछ नहीं है। हमने जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन की दिशा में भी आगे बढ़े। 70 साल हर किसी ने कुछ न कुछ प्रयास किया, हर सरकारों ने कोई न कोई प्रयास किया, लेकिन इच्छित परिणाम नहीं मिले। और जब इच्छित परिणाम नहीं मिले हैं तो
तो नए सिरे से सोचने की, नए सिरे से कदम बढ़ाने की आवश्यकता होती है। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नागरिकों की आशा आकांक्षा पूरी हो, ये हम सबका दायित्व है। उनके सपनों को नए पंख मिले, ये हम सबकी जिम्मेवारी है। और उसके लिए 130 करोड़ देशवासियों ने इस जिम्मेवारी को उठाना है। और इस जिम्मेवारी को पूरा करने के लिए जो भी रुकावटें सामने आई हैं, उनको दूर करने का हमने प्रयास किया है। पिछले 70 साल में इन व्यवस्थाओं ने अलगाववाद को बल दिया है, आतंकवाद को जन्म दिया है, परिवारवाद को पोषा है और एक प्रकार से भ्रष्टाचार और भेदभाव की नींव को मजबूती देने का ही काम किया है। और इसलिए वहां की महिलाओं को अधिकार मिले, वहां के मेरे दलित भाइयों बहनों, देश के दलितों को जो अधिकार मिलता था वहां नहीं मिलता था। हमारे देश के जनजातीय समूह, देश के जनजातीय समूहों को, ट्राइबल्स को जो अधिकार मिलते हैं वो उनको भी मिलने चाहिए। वहां के हमारे कई ऐसे समाज व्यवस्था के लोग, चाहे वे गुजर हो, बकरवाल हो, गद्दी हो, सिप्पी हो, बाल्टी हो, ऐसी अनेक जनजातियां, उनको राजनीतिक अधिकार भी मिलने चाहिए। उसे देने की दिशा में हम हैरान हो जाएंगे, वहां के हमारे सफाई कर्मचारी भाइयों बहनों के साथ कानूनी रोक लगा दी गई थी, उनके सपनों को कुचल दिया गया था। आज हमने उनको ये आजादी देने का काम किया है। भारत विभाजन हुआ, लाखों करोड़ों लोग विस्थापित होकर के आए, उनका कोई गुनाह नहीं था, लेकिन जो जम्मू कश्मीर में आकर के बसे, उनको मानवीय अधिकार भी नहीं मिले, नागरिक के अधिकार भी नहीं मिले। जम्मू कश्मीर के हमारे अंदर मेरे पहाड़ी भाई बहन भी है, और इसलिए उनकी भी चिंता करने की दिशा में हम कदम उठाना चाहते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, जम्मू कश्मीर और लद्दाख सुख समृद्धि शांति के लिए, भारत के लिए प्रेरक बन सकता है, भारत की विकास यात्रा में बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। उसके पुराने उन महान दिवसों को लौटाने का हम सब प्रयास करें। उन प्रयासों को लेकर के ये जो नई व्यवस्था बनी है वो सीधे सीधे नागरिकों के हितों के लिए काम करने के लिए सुविधा पैदा करेगी। अब देश का, जम्मू कश्मीर का सामान्य नागरिक भी दिल्ली सरकार को पूछ सकता है, उसको बीच में कोई रुकावटें नहीं आएगी। ये सीधी सीधी व्यवस्था आज हम कर पाए हैं। लेकिन जब देश, पूरा देश, सभी राजनीतिक